आकांक्षा को भी कहीं ना कहीं जधा से प्यार होने लगा है और ये बात जिया से कहती हुई नजर आई, वो भी बाथरूम मीडिया में। चलिए आप लोगों को बताते हैं आकांक्षा, जधा और जिया से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस आकांक्षा जो है वो बाथरूम एरिया में रहती है, जहां पर बाथरूम एरिया में जिया जो है एक उसको अचानक जो है परफ्यूम की खुशबू आती है, जहां पर परफ्यूम उसको बहुत अच्छा लगता है और वहीं पर जो है मनीषा भी रहती है, बेबी का भी रहती है, जहां पर जिया बोलती है कि यार इसका परफ्यूम इतना ज्यादा तेज है कि जहां पर भी रहती है ना वहां से पता चल जाता है ये कहां पर है। जहां पर मनीषा और बेबी का हंसने लग जाते हैं और मनीषा ये बात बोलती है कि हाँ जधा जो है वो इसके चाहे वो हगने के लिए ही क्यों ना बैठा हो, इसकी परफ्यूम की स्मेल ढूंढ के जो है वो खींचा चला आता है। जहां पर आकांक्षा काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और वो बोलती है कि मेरी परफ्यूम की स्मेल जरूरी नहीं है, सिर्फ उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। जहां पर सब लोग आकांक्षा की टांग खींचते हैं और आकांक्षा जो है इस बात को थोड़ा टर्न करती है और ये बात बोलती है कि यार मैं काफी ज्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं अंदर जाने के बाद मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हालांकि जधा मिला है मुझे, ट्रेन काफी अच्छे से कर रहा है, मुझे जिम पार्टनर काफी अच्छा मिला है। तो जहां पर जिया बोलती है जिम पार्टनर ही या कुछ और ही, तो जहां पर आकांक्षा बोलती है कि यार बंदा जेन्युइन है और कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियर रहता है और वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो यानी कि आकांक्षा को भी जधा अच्छा लगने लग गया है। भाई शायद हो सकता है पहले जधा आदित का एंगल जो है जिया शंकर के साथ जोड़ा जा रहा था, ऐसा लग रहा था, बट अचानक ही आकांक्षा के आने पे जब जैसे ही जधा फ्लिप किए हैं वैसे जो है लोग अभी इनका प्यार का एंगल जो है देखना चाहते हैं। क्या आप इनके प्यार का एंगल देखना चाहते हैं या नहीं, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।